हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप सभी जो सीएससी बेली हैं दोस्तों, उनके लिए एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आपको सीएससी का केवाईसी करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, चाहे आप नए मेंबर हों या फिर पुराने, दोस्तों मेरे कहने का मतलब आपका चाहे नई आईडी हो या फिर पुरानी आईडी हो, सबका यहां पर केवाईसी जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, ईयरली केवाईसी। तो क्या है पूरा अपडेट हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइव आपको सीएससी का केवाईसी करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर अपना सीएससी को लॉगिन करेंगे। यहां पर हम सीएससी लॉगिन पर क्लिक किए सर्च करते हैं, उसके बाद अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करते हैं। तो अब हम यहां पर डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन कर लिए हैं। यहां पर अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल करके सबसे पहले इसमें हम साइन इन करते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर सीएससी को केवाईसी कैसे किया जाता है। तो चलिए, हमने यहां पर जो इस कैप्चा को फिल करके साइन इन कर लिया है। साइन करने के बाद दोस्तों, इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहां पर दोस्तों कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखिए, एक पॉपअप मैसेज आएगा। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सीएससी द्वारा टीडीएस अपडेट हो चुके हैं। एक ये अपडेट चल रहा है इस समय। तो यहां पर इस अपडेट को यहां पर करेंगे क्लोज। इसको यहां पर क्लोज करने के बाद दोस्तों, अब आप देखेंगे कि यहां पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको साफ साफ यहां पर दिखाया गया है। यूअर एली केवाईसी इज ड्यू, प्लीज कंप्लीट यूअर केवाईसी। प्रोविडेंट एंड रेसिडेंट क्वेश्चन एड्रेस, प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी। इसके कहने का मतलब दोस्तों, आपका जो रेसिडेंट एड्रेस है और दुकान का एड्रेस है, दोनों का यहां पर केवाईसी करना है आधार के जो है अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम दोस्तों क्या करेंगे, अपडेट नाउ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहां पर अपडेट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर कुछ समय पहले कुछ लोग यहां पर केवाईसी कर रहे थे तो उनका यहां पर आधार वैलिडेट नहीं हो रहा था, लेकिन अब दोस्तों इस समस्या का समाधान हो चुका है। आधार वैलिडेट लगातार हो रहा है और ये केवाईसी सबमिट हो रही है। तो यहां पर दोस्तों अब इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल गया, वेली प्रोफाइल एंड कोशक अपडेट। तो यहां पर आपका नाम पहले से ही फीड रहेगा इस वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहां पर आपको आधार नंबर फिल करना होगा। चलिए हमने यहां पर अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं। यहां पर हमने अपना आधार नंबर फिल कर लिया। अब हम यहां पर करेंगे वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आधार वेरीफाइड का ऑप्शन आ चुका है। तो यहां पर हमारा जो है आधार वेरीफाइड हो चुका है। पिछले हमारे कुछ वेली भाई कुछ समय के लिए कर रहे थे तो वहां पर उनका जो है नॉट वैलिड बता रहा था, लेकिन यहां पर यह समस्या का समाधान हो चुका है। अब यहां पर दोस्तों ऑटोमेटिक आपका स्टेट सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका जिला भी सिलेक्ट रहेगा। अपना यहां पर दोस्तों असेंबली जो आपका विधानसभा है उसको यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर सिलेक्ट है हमारा, तो यहां पर हम सिलेक्ट ही रहने देंगे। उसके बाद यहां पर अपना पिन कोड नंबर जो है आपका पिन कोड अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहां पर फिल करना है। तो हम यहां पर अपना पिन कोड फिल कर लेते हैं। पिन कोड को फिल कर लेने के बाद दोस्तों, आपका यहां पर कुछ एड्रेस फिल रहेगा। यहां पर नीचे आएंगे कोशक एड्रेस में। यहां पर दोस्तों आपका कोशक ओनरशिप क्या है, तो आप यहां पर रेंट पर हैं या फिर गवर्नमेंट का है। तो यहां पर हमने जो है ओनर पे ही सिलेक्ट करने देंगे, क्योंकि ये हमारा जो है सेल्फ आईडी है। उसके बाद यहां पर आपको लोकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, रूरल है या फिर अर्बन है। तो यहां पर हमने जो है लोकेशन टाइप को सिलेक्ट कर लिया है, यहां पर रूरल पे ही सिलेक्ट करने देंगे। अब यहां पर दोस्तों सब कुछ सिलेक्ट है, यहां पर पिन कोड भी सिलेक्ट है। यहां पर अब लास्ट में आएंगे दोस्तों आपका ये पैन कार्ड। यहां पर आपके पैन कार्ड के कुछ अक्षर दिखाएंगे और यहां पर आपको फाइनली पूरा पैन कार्ड जो है लिखना है। अगर आपका यहां पर जीएसटी नंबर है तो यहां पर आप जीएसटी नंबर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। बट यहां पर आपका जो इंडिविजुअल पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड को यहां पर फिल कर देना है। तो चलिए हम यहां पर अपना पैन कार्ड को फिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पर अपना पैन कार्ड को फिल कर लेंगे। पैन कार्ड फिल कर लेने के बाद यहां पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये भी यहां पर वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या करेंगे कि इस जो कैप्चा को यहां पर जैसे लिखा हुआ है, इसको सेम उसी प्रकार से फिल कर लेंगे। तो हम यहां पर इस कैप्चा को फिल कर ले रहे हैं। तो हमने यहां पर इस कैप्चा को जैसे लिखा था, सेम उसी प्रकार से यहां पर लिख दिया है। अब इस पर एक्सेप्ट करेंगे, इसको यहां पर चेकबॉक्स लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर प्रोसेसिंग होगा। अब दोस्तों यहां पर इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। यहां पर 14 मिनट का जो है आपका 15 मिनट का समय रहेगा, इसके अंदर ही आपको ये केवाईसी कंप्लीट करना है। यहां पर आपके पास फिंगरप्रिंट, एरिस, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है, बट यहां पर आपको ओटीपी पर ही सिलेक्ट करने दे रहे हैं। सबसे पहले इस
इस पर चेक लगाना है। यहाँ पर चेक लगाने के बाद दोस्तों जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके यहाँ पर रजिस्टर आधार पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, तो हमने यहाँ पर ओटीपी फिल कर लेना है। तो चलिए हमने यहाँ पर जो है अपना जो है सही सही जो भी ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल कर लेने के बाद यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेकंड आप वेट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यूअर केवाईसी हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दोस्तों मेरा यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी जो है हो गया है। कुछ भाई का यहाँ पर दोस्तों इनकरेक्ट, अगर पिन नंबर इनकरेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर इनकरेक्ट आता है, या फिर किसी वजह से वेबसाइट एरर होती है तब यहाँ पर जो है कुछ एरर मैसेज आ जाता है। बट यहाँ पर हमने आपको देखिए लाइव दिखाया है कि हमारा केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर गो टू डिजिटल सेवा पोर्टल, आप अपने जो है होम पेज पर जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों अपना केवाईसी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे यहाँ पर मोबाइल पे जो यहाँ पर जो स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आता था केवाईसी का, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने बिल्कुल आसान सा प्रोसेस फॉलो करके इस सीएससी की केवाईसी को कंप्लीट की है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए